चाहे कैदो बंद की सौपते हों, चाहे तशद्दुद की सौपते हों, वो सब इस्तकामत के साथ बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारा एक ही है, इस कौम का एक ही है कि हम सिर्फ इस मुल्क की सालमियत के लिए और इस कौम की तरक्की करने के लिए जो रास्ते में साजिशें की जा रही हैं, जो रुकावटें पैदा की जा रही हैं, उन तमाम रुकावटों को दूर करेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। और ख़ास तौर पे अभी इमरान रियाज साहब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन अदालतों को कि जिन्होंने इतने प्रेशर के बावजूद इनके तमाम केसेस में से इनको डिस्चार्ज किया है। और दूसरा मेरा ये कहना है कि अदालतों ने कोई एहसान नहीं किया, कानून के मुताबिक काम किया है। यहाँ वो जजेस मौजूद हैं जो कानून की किताब के मुताबिक, जो फैक्ट्स के मुताबिक फैसले देते हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। इसलिए खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना रास्ता मुतय्यन करके अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें हमेशा एफर्ट करते रहना चाहिए। उसके लिए रास्ते की रुकावटें जो हैं उनको बालाए ताक रखना चाहिए। मैं मीडिया के उन दोस्तों का भी आज शुक्रिया अदा करता हूं जिनको हमेशा मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहा कि खुदारा आवाज़ बने, खुदारा इमरान के लिए आवाज़ उठाएं, मुत्तहिद हो जाएं। राज़िक मेरा अल्लाह है, मालिक मेरा अल्लाह है, वो कादर मुतलक है जो हमारी जानों का भी मालिक है और हमारे लिए रिज्क का भी वादा उसने पहले दिन कर दिया था। इसलिए इस चीज़ से मत खौफजदा हूँ और मिल के आवाज़ उठाएं। और हम कुछ तवक्को नहीं रखते मीडिया से फर्दर, हम कहते हैं कि जो उनका डोमेन है, जो उनका काम है, जो एक सहाफ़ी का काम है, वो ज़रूर करें। वो सिर्फ और सिर्फ जो बाय बुक उनको दिया गया है, जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने आज तक सुना और जो ये मीडिया खड़ा रहा, उस तरह से खड़े हो जाएं। आज भी मैं इसे फोर्थ पिलर कहता हूँ स्टेट का, तो ये उसके मुताबिक इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क को सिरात मुस्तकीम पर रखने के लिए आगे बढ़ें और आवाज़ दबाया ना करें, आवाज़ निकालें। ये ज़ुबान अल्लाह ने बोलने के दिए है, दिमाग अल्लाह ने सोचने के लिए दिया है और दिल में ताकत होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी मंजिल हासिल करेंगे। भाभी आप भी कुछ कहेंगे, आपने भी बड़ी जो है वो तमाना आवाज़ समझा जाता है। ओके ओके, देखिए बात यह है कि हमें बहुत अफसोस है जो मुल्क में हो रहा है। सबसे पहले तो मैं इमरान रियाज साहब को इधर हाईकोर्ट में वेलकम भी कहती हूँ और हम ये समझते हैं कि पूरी कौम जो है इमरान रियाज के साथ खड़ी है, इसलिए कि उन्होंने अपने हक और सच की आवाज़ दी। और दूसरी बात यह कि देखिए रियासतें ऐसी तो नहीं होती कि जो बंदा यहाँ पे सच बोलता है, जो हक की बात करता है, वो गैर महफूज हो जाता है। इसी तरह अगर आप जुडिशरी में देखें, जो जज इंसाफ करता है वो गैर महफूज हो जाता है। क्या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहता है? तो इस जबर को हम, इस जबर और इस जो गुलामी की रियासत का जो एक रवैया है, हम उसको इनकार करते हैं। हम लोग अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम हर उस शख्स के साथ हैं जो सच बोलता है, हम उस हर शख्स के साथ हैं, हर उस सहाफ़ी के साथ हैं जो हक लिखता है, जो हक के लिए कलम उठाता है, और ये आवाज़ें हम कभी खामोश नहीं होने देंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो रियासती जबर है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, जिस तरह वो मुल्क को चलाना चाहती है, अब वो निकल के देख लें कि पाकिस्तान की पूरी कौम मुत्तहिद है और पूरी कौम ने इनको इनकार किया है, इनके जबर के आगे इनकार किया है। मैं आखिर में पूरी कौम को ये कहना भी चाहूँगी कि देखें, इस वक्त पाकिस्तान में डिफाइनिंग मूवमेंट है। या तो एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर अपने जबर के साथ रहेगी, या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पाकिस्तान के अवाम रहेंगे, या यहाँ पर जमहूरियत होगी, या यहाँ पर खुफिया मार्शल लॉ होगा। तो इसलिए अब ये आखिरी डिफाइनिंग मूवमेंट है, सारी कौम को निकलना चाहिए, इस जबर के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और वही रास्ता है एक रोशन पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सालमियत का।
जो लोग पाकिस्तान को कमज़ोर करने पर तुले बैठे हैं, जो इस रियासत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको अब ये देख लेना चाहिए कि जो कौम है उनसे कितनी नफरत करते हैं लोग, उन रवैयों के साथ कितनी नफरत करते हैं। और अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है पाकिस्तान की कौम के लिए कि कोई ऐसा तबका उनके ऊपर हुक्मरानी करे जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो पाकिस्तान के लोगों पर हुक्मरानी करे। और इसी तरह इन्होंने देखें जो मीडिया की आवाज़ों को खामोश कराने की कोशिश की, जिस तरह इमरान रियाज के साथ किया इन्होंने, तो इस जो रवैये हैं इनका पाकिस्तान को हमेशा नुकसान हुआ है। और हम ये समझते हैं कि ये जो रियासती इदारे हैं उनको अपने रवैये अब दुरुस्त करने पड़ेंगे, वरना जो पूरी कौम है उस जबर के खिलाफ अब उठ खड़ी हुई है। और हम लड़ेंगे और उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी नहीं होती, हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक आप देखें कि आज के हालात हैं। आज जो एक सियासी जमात है उसको आपने जेरे ताब किया हुआ है, उनके सियासी वर्कर्स को, पाकिस्तान की जो खवातीन सियासी वर्कर्स हैं वो जेलों में बैठी हैं, ना जुडिशरी में इतना दाम है कि वो उनकी बेल ही ले ले। तो ये जो इस वक्त हालात बने हुए हैं ये जानबूझ कर चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो रोशन ख्याल तबकात हैं, पाकिस्तान की जमहूरी सोच है, उसको ये दबाएं और उनको मायूस करें। लेकिन मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हरगिज़ मायूसी की जरूरत नहीं है, हम सब इधर हैं, हम मुजामत के लिए तैयार हैं और हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।